गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल दीपांश महाजन को और डेली टेक वीडियोस देखो हिंदी में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपांश महाजन, मेरे चैनल दीपांश महाजन की एक नई फ्रेश कमाल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन प्लस सेवन के बारे में और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम बात करते हैं वन प्लस सेवन की। अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.4 या फिर 6.5 इंचेस का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जहाँ पर फुल एचडी प्लस के रिजोल्यूशन होंगे और जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 या फिर जो उस टाइम पे लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास रहेगा उसकी प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी। और डिस्प्ले एमोलेड होगा, वो ऑप्टिक एमोलेड होगा या सुपर एमोलेड होगा ये अभी कन्फर्म नहीं है। और व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं रैम ऑप्शंस की, तो बेस वेरिएंट 6GB रैम और 128GB वाला होगा। बाकी कौन कौन से वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे अभी इसकी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सकता 8GB रैम वाला ऑप्शन भी आ जाए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा जिसे हमने वन प्लस 6T में देखा था। अगर हम बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की, तो यहाँ पर हमें 3700mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है जिसमें आपको डैश चार्जिंग मिलेगी और डिस्चार्जर इनबॉक्स ही आपको देखने को मिलेगा जिसे हमने वन प्लस 6 और 6T में देखा था। और ऑब्वियस यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और ये फ़ोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को नहीं मिलेगा जैसे हमने वन प्लस 6T में देखा था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये आएगा ऑक्सीजन ओएस के साथ में जो बेस्ड होगा एंड्रॉयड 9.0 पाई पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैमरास की, तो यहाँ पर आपको एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे जो होगा 20+12+16 का एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो 12 MP का है कैमरा है वो होगा। वाइड एंगल लेंस मीन्स आपकी पिक्स काफ़ी अच्छी आएंगी और वन प्लस की इमेज प्रोसेसिंग को तो हम जानते ही काफ़ी अच्छी फोटोज़ आती हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्फी की, तो आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की, तो आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलेगा जो 8nm की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर ये कैसा परफॉर्म करेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की, तो ये आएगा एक ग्लास बैक के साथ में जिस हमने वन प्लस 6 और 6T में देखा था, और कुछ ग्रेडियंट कलर्स के साथ में आएगा। हो सकता है डुअल टोन डिज़ाइन हो, ट्रिपल टोन डिज़ाइन हो, आप स्क्रीन पर इसके कुछ कलर्स देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे सारे कलर्स और बिल्कुल ग्लॉसी बैक है। और अगर हम बात करते हैं फ्रंट डिज़ाइन की, तो एक आपको इसमें एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें कोई पंच होल नहीं, कोई नॉच नहीं, हमें पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रंट से भी इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगर हम इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात करें, तो जैसे हम वन प्लस की हिस्ट्री देखें, तो वन प्लस 5 और 6 मई के मंथ में लॉन्च होते हैं, तो ये भी आपको हो सकता है मई के महीने में ही देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो जो इसका बेस वेरिएंट होगा 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस हो सकती है अप्रोक्सीमेटली 40-42 हज़ार के आसपास, तो ये भी एक्सपेक्टेड है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतने भी, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे फ्यूचर में जो वीडियोज़ डाल उसके अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आप क्या सोचते हैं वन प्लस सेवन के बारे में, क्या आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा फ़ोन हो सकता है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं हूँ दीपांश और मैं मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।